हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जो PIL ICICI के अगेंस्ट फाइल करा गया था, उसका आज लास्ट हियरिंग थी और लास्ट डिसीजन आ जाना था। सो ICICI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो एग्जामिनेशन होने वाले थे 29 जुलाई से, वो अब कैंसिल कर दिए गए, मर्ज कर दिए गए। अब वो अब एग्जामिनेशन अब नवंबर में होने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट उसके बाद जो पिटिशनर है जिन्होंने PIL फाइल करी थी, उन्होंने कोर्ट से अर्ज किया जो एग्जामिनेशन नवंबर में होंगे उनको ऐसे ट्रीट करा जाना चाहिए कि वो जुलाई में हुए। इसका मतलब उसकी जो मार्कशीट है वो जुलाई एग्जामिनेशंस के बेसिस पर निकाली जानी चाहिए उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं। क्योंकि सम जॉब्स की कट ऑफ डेट्स होती है एग्ज़ाम अपेयर करने के लिए एग्जामिनेशंस को स्पेसिफाई मंथ में शेड्यूल में। सो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर को कहा कि वो उसकी रिप्रेजेंटेशन बनाई और ICICI को भेजे। और उसके बाद जो क्लेस है, उसके बाद जो ये मैटर है वो हो गया है डिस्पोज्ड ऑफ, इसलिए मैटर अब ख़त्म हो चुका है। सो यही थी लास्ट हियरिंग का डिसीज़न। अब जो भी क्लैरिफिकेशन है आगे एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग, वो हमें ICICI के थ्रू ही मिलेंगी उनकी अपकमिंग अनाउंसमेंट के थ्रू। होप करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।